अगली खबर है आयुर्वेदिक कॉलेज से जुड़ी हुई। आयुर्वेद कॉलेज इस माह 23 तारीख को 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाएगा, जिसके चलते पूरे पखवाड़े पर भर कार्यक्रम करने का निश्चय किया गया था। उसी के चलते छोटे और मोटे अनाज से बने व्यंजन की प्रदर्शनी रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में लगाई गई। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर रीवा का आयुर्वेदिक कॉलेज छोटे और मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए कमर कस चुका है। ये ऐसे अनाज हैं जो आज के परिवेश में लुप्त हो रहे हैं, लेकिन इनका असर आज के आधुनिक दौर में काफ़ी ज़्यादा है। इनके इस्तेमाल से डायबिटीज़, बीपी जैसी बीमारियों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके चलते आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर के अंदर 10 तारीख से अनाजों के इस्तेमाल करके व्यंजन बनाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से कोदो, कुटकी, रागी, सांबा, काकू, चीना, बसरा, ज्वार, बाजरा, मक्का थी। ये ऐसे अनाज हैं जिनका इस इलाके में पिछले 200 से 500 साल के पहले तक से इस इलाके में इस्तेमाल का इतिहास उपलब्ध है। प्रदर्शनी की खास बात यह रही, कोदो जो कि डायबिटीज के लिए रामबाण माना जाता है, उससे 7 तरीके के व्यंजन बनाकर आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रदर्शित किए। इस बारे में हमने आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रचार डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ और कृषि महाविद्यालय के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जोशी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं साथ में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के पखवाड़े के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वर्ष हम लोग 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं, जो कि 23 तारीख को है, धनतेरस के दिन मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में पूरे महीने भर भारत सरकार से हमें कार्यक्रम प्राप्त हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो है छोटे और मोटे अनाजों को प्रमोट करना। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रेसिपीज हमारे बच्चों ने, व्यंजन जिनको बोलते हैं, वो हमारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बनाए हैं और उनको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनका कि महत्व बहुत ज़्यादा है। उसमें विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में इसको प्रमोट कर रही है और हम लोग उसका यूज़ पोषण के लिए भी कर सकते हैं और विभिन्न व्याधियों के लिए भी हम रूप में कर सकते हैं। तो उन्हीं के विभिन्न व्यंजन हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किए हैं, प्रदर्शनी के रूप में हम लोग उनको दिखा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरपी जोशी, मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ लघु धान्य परियोजना कृषि महाविद्यालय रीवा में, कोदो कुटकी रागी परियोजना में। आज यहाँ आयुर्वेद कॉलेज में 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम समय की मांग को देखते हुए किया गया है। इसमें जो हमारे लघु धान्य हैं जो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, उनमें 7 लघु धान्य फसलों के और 3 प्रमुख धान्य माने 10 धान्यों के व्यंजन बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लघु धान्य में कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, काकून, चीना और बसारा हैं। ये अधिकांश हमारे विंध्य क्षेत्र में वर्षों पहले से उगाए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि 200 से 500 वर्ष पहले भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उगाए जाते थे और अभी हम जब गाँव में दौरे में जाते तो वहाँ लोगों के पास संग्रहित हैं और वो इसके विभिन्न पकवान बनाते थे, लाटा वगैरह में इसको मिलाते थे। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक एक व्यंजन जो है, एक एक अनाज से करीब 3-3, 4-4 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। कोदो अकेले से 7 प्रकार की रेसिपी या व्यंजन तैयार होते हैं, जो स्वाद में तो अच्छे ही होते हैं पर पौष्टिकता में भरपूर होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये मधुमेह या डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। रोगों के लिए इसमें रोगरोधिता होती है, कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए इन धान्यों का पुनः समावेश हो रहा है। और जो हमारे बड़े धान्य हैं उनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके भी यहाँ पर उत्पाद बने हुए हैं। मैं अभी जज के रूप में सभी को टेस्ट कर रहा था, मैंने सामने देखा है कि चीना की खीर इन्होंने बनाई हुई है जो कि अपने आप में बहुत पौष्टिक होती है। कुटकी के लड्डू बने हुए हैं। कुटकी के लड्डू की खासियत होती है कि उसके अंदर मैग्नीशियम और फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए उपयोगी होने के साथ साथ विटामिन डी और B12, जिनकी कमी आजकल बहुत अधिक होने लगी है, उनकी भी प्रचुर मात्रा उसके अंदर पाई जाती है। आप AG कॉलेज से? जी। ये तमाम जितने अभी आपने नाम लिए, जी किसान अब बो नहीं रहा है, जी हाँ, तो इसको हम कैसे प्रमोट करेंगे? देखिएगा, कृषि महाविद्यालय में इन सभी 7 धान्यों की फसलें अभी खड़ी हुई हैं, जिसमें कोदो यानी कोदो मिलेट है, कुटकी यानी लिटिल मिलेट है, रागी यानी फिंगर मिलेट है, और काकून यानी फॉक्सटेल मिलेट है, सामा यानी बार्नयार्ड मिलेट है, और चीना माने प्रोसो मिलेट है, और बसारा माने ब्राउन टॉप मिलेट है। किसानों के द्वारा अभी हाल में
अभी हमारी पिछली मीटिंग कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में हुई थी, अब किसानों ने इसका रकबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारा जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके अंदर जब ये आएंगी तभी घोषित तौर पर उनका रकबा माना जाएगा। पर किसान मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका बीज प्राप्त कर रहे हैं, बीज उत्पादन कार्यक्रम भी हो रहा है। अकेले कृषि महाविद्यालय रीवा द्वारा अभी हाल में कुल तो यहाँ से 13 किस्में विकसित हुई जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उगाई जा रही है, वो बिंद क्षेत्र के कृषि महाविद्यालय रीवा से विकसित हुई। अभी मेरे द्वारा स्वयं पिछले कुछ वर्षों में ही 5-6 वर्षों में 2 किस्में कोदो की और 1 किस्म कुटकी की विकसित की गई है, जो पूरे देश में जिसका रकबा हुआ है और किसान उसको ले रहे हैं, इसलिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।